हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बर्नियर को कैसे स्टडी किया जाता है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। उससे क्या होगा कि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्नियर को स्टडी करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप एक मिनट में बर्नियर चलाना सीख जाएंगे। तो चलिए हम बर्नियर के बारे में आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है, ये बिल्कुल जीरो पे कनेक्टेड है। आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए, पूरे जीरो के साथ मैच कर रही है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके ये देखिए यहाँ पे रख देते हैं तो ये हमारा 1 mm खुल गया है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम बर्नियर हो चाहे माइक्रोमीटर हो, ये ऊपर वाला हिस्सा उसमें नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि ये इंच वाला है, और ये हमेशा नीचे वाला पढ़ा जाता है। ये mm साइज़ में आ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन mm साइज़ की है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये पॉइंट साइज है। इसे mm बोला जाता है और इसे पॉइंट बोला जाता है। 100 पॉइंट का फ्रेंड्स 1 mm होता है, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि मैं जानकारी दूंगा तो पूरी बारीकी से आपको जानकारी दूंगा। इसे हमेशा mm बोला जाता है और इसे हमेशा पॉइंट बोला जाता है। ये पॉइंट स्टार्ट होता है 0.02 से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि ये एक लाइन है, जीरो के इधर जो एक लाइन है ये 2 पॉइंट की स्टार्ट होती है। उसी तरह आप अगर एक लाइन को पढ़ेंगे, जैसे ये एक लाइन आ गई यहाँ पे, ये हम 2 पॉइंट हो जाएंगे। सब यही सोचते होंगे कि एक लाइन है तो एक ही होगा, नहीं, ये 2 आ जाएगी, यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे। और नीचे वाली जो है एक लाइन हम खोलेंगे तो वो 1 mm में गिनती आएगी। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ये पॉइंट है, ये mm है, ये 2 पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये 1 mm से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको बता दूँ, ये अभी 1 mm खुला हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम हल्का सा आगे कर दें और खोल दें हल्का सा, ये देखिए 1 mm से थोड़ी सी लाइन जो है आगे हो गई है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखना कैसे है कि ये कितना साइज है, तो आप अब नीचे वाला नहीं, अब ऊपर वाला स्टडी करेंगे। इनमें से जो भी लाइन, यहाँ तक जो भी लाइन है, इनमें से जो भी लाइन जो नीचे वाले से अटैच होगी, बिल्कुल बराबर अटैच होगी, उसी को हम काउंट करेंगे। अब इसमें देख लीजिए, अब आप देख रहे हैं ये जो है 4 वाली लाइन है, जो ये बिल्कुल मैच हो रही है, ठीक है गाइस। अब ये हमारा कितना साइज खुल गया है, 1 mm 40 पॉइंट खुल गया है। इसको 4 भी गिनती किया जाता है और 40 भी गिनती किया जाता है, फिलहाल ये 40 ही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए कोई भी साइज है, अब हम इसका पेन का साइज ही हम काउंट करते हैं। तो जो हमने बर्नियर खोला था उसमें कितना था, 1 mm 4 पॉइंट इतना था, ठीक है। अब हम पेन का साइज मेजरमेंट करते हैं, इसमें कितना निकलता है देखिएगा। चलिए हम इसको काउंट कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा धुंधला आ रहा है। अब देखिए, ये अपना साइज हो गया इसका 7 पॉइंट। अब इधर में कौन सी लाइन मैच हो रही है वो देख लीजिए। देखिए 9 की जो लाइन है वो बिल्कुल मैच हो रही है। अब ये हो गया 7.9 यानी कि 90, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको खोलते जाएंगे वैसे ही बढ़ता जाएगा। मान लीजिए ये 30 के बराबर, ये इतना सा खुला है 31 के ऊपर, ठीक है। ये आपका हो गया, रुकिए इसको हम नीचे रख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं, आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। अब ये जो लाइन है ये देखिए 30, ये और एक लाइन नीचे हो गया 31, ठीक है। और इसका जो है आगे ऊपर पॉइंट कितना खुला हुआ है देखते हैं कौन सी लाइन जो है मैच कर रही है। देखिए 4 वाली लाइन जो है, ये जो 4 वाली लाइन है ये वाली, ये बिल्कुल सेंटर में है, मैच हो रही है, ठीक है। ये अपना हो गया 31.4, ठीक है गाइस। बस इसी प्रकार से पूरा बर्नियर को मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि वर्कशॉप में या किसी भी काम में ये इंची वाला ज़्यादातर बर्नियर में यूज़ नहीं होता है, MM साइज ही यूज़ होता है। तो आई होप आपको बर्नियर सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा।